आम आदमी पार्टी ने आज महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भाजपा नेता प्रवीण दरेकर के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर नरीमन पॉइंट में भाजपा कार्यालय का घेराव किया। मुंबई बैंक का चुनाव लड़ने और जीतने के लिए मजदूर होने का झूठा दावा करके मुंबईकरों को धोखा देने का काम दरेकर ने किया। आप नेता और कार्यकर्ता नरीमन पॉइंट स्थित भाजपा कार्यालय में तख्तियों और बैनरों के साथ एकत्र हुए। प्रवीण दरेकर ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। दरेकर ने मुंबई बैंक चुनाव के लिए खुद को दिहाड़ी मजदूर बताया और सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2011 से 2021 तक वे अध्यक्ष रहे और दो बार डायरेक्टर रहे। आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव धनंजय शिंदे ने दरेकर पर 2000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है और उनकी तुरंत इस्तीफे की मांग की है। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट।